हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। सैमसंग A03S का FRP बाईपास हम कैसे कर सकते हैं? तो ये मेरे पास अनलॉक टूल है। सैमसंग की टैब पे क्लिक करना है, सर्च करना है A03S और BROM इरेज FRP पे क्लिक करना है। मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। अगर स्विच ऑफ नहीं हो रहा तो तीनों बटन को दबा के रखना है और केबल को लगा देना है। जैसे ही आप केबल लगाएंगे तो यहाँ पर पोर्ट डिटेक्ट होगा। आपको वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखना है। तो एक बार पोर्ट कनेक्ट होगा, फिर डिसकनेक्ट होगा, फिर कनेक्ट होगा, तो आपका जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा। मैं इसका FRP बाईपास कर चुका हूँ अनलॉक टूल के ज़रिए। तो आप भी इस तरीके से A03S का FRP बाईपास कर पाएंगे। स्टार हैज, ज़ीरो स्टार हैज वाली जो मेथड है वो इस पे काम नहीं कर रही है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सैमसंग A03S FRP यूजिंग अनलॉक टूल और ओनली वन क्लिक से आप कर पाएंगे। और आप देख पा रहे हैं मैंने ये अनलॉक FRP बाईपास हो चुकी है मेरे A03S की। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि सैमसंग टैब में A03S सर्च करना है, BROM इरेज FRP पे क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो तीनों बटन को वॉल्यूम अप डाउन पावर की को साथ में दबा के रखेंगे। और जैसे मोबाइल बंद होता है तो केबल लगा देनी है और वॉल्यूम मोबाइल में और वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखना है। थैंक यू।